जय हिंद दोस्तों, अभी हाल ही में कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी लाइसेंस धारक का सिर्फ आपराधिक मुकदमा या निजी दुश्मनी नाम मात्र से शस्त्र लाइसेंस रद्द करने का अधिकार नहीं होता, बल्कि कोर्ट ने यह भी कहा कि लाइसेंस निरस्त करने से पहले प्रशासन उसके कारणों पर ठीक तरह से विचार करे, फिर कोई निर्णय ले। दोस्तों, ये सब पूरा मामला आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आर्म लाइसेंस से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग नहीं किया गया है तो आपराधिक केस दर्ज होने मात्र से शस्त्र लाइसेंस निरस्त करना गलत है। दरअसल प्रतापगढ़ के एक आवेदक का आर्म लाइसेंस प्रशासन इसलिए रद्द कर देता है कि क्योंकि उसके खिलाफ धमकाने, गाली गलौज और शस्त्र के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में लाइसेंस धारक इस मुकदमे में बरी भी हो गया। कोर्ट का कहना है कि यदि शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग नहीं किया गया है तो आपराधिक केस दर्ज होने मात्र से शस्त्र लाइसेंस निरस्त करना गलत है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि किसी भी आवेदक के आर्म लाइसेंस मात्र किसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होने से या किसी से निजी दुश्मनी के कारण लाइसेंस रद्द करने का अधिकार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने अब प्रशासन से यह भी कहा कि लाइसेंस निरस्त करने का आदेश देते समय इस बात पर विचार होना चाहिए कि उस आवेदक से जन सुरक्षा या लोक शांति को वास्तव में खतरा है या नहीं, इसका ध्यान रखते हुए तभी फैसला ले शस्त्र लाइसेंस रद्द करते समय। कोर्ट ने यह भी कहा कि शस्त्र लाइसेंस रद्द होने के बाद आवेदक चाहे तो नियमानुसार लाइसेंस का आवेदन फिर से दे सकता है, और यदि वह शस्त्र नियमावली 2016 के तहत उसका पात्र पाया जाता है तो एक माह में आवेदन पर आदेश पारित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आर्म लाइसेंस कैसे बनता है तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।